गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं मिल रही हूँ आज आप लोगों से 25 नवंबर को। मैं नहा के आपसे मिल रही हूँ, नहा चुकी हूँ मैं और थोड़ा सा जल्दी नहाई हूँ। होपफुली अब मैं यही चीज़ फॉलो करूँगी कि सुबह जल्दी नहा लूँ। सुबह जल्दी नहा के मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, काम ख़त्म हो गया और फ्रेश फील होता है। सुबह नहाने से पहले तो बहुत ठंड लगती है, सच में ऐसा लगता है नहीं यार नहीं नहाती हूँ, बाद में नहाऊँगी। मैं बता देती हूँ आज के ब्लॉग की हाईलाइट। आज का डिनर होगा बहुत स्पेशल फिर से, बट आज मेरी फैमिली या किसी गेस्ट के लिए नहीं, आप लोगों में से ही किसी एक बहुत ख़ास बंदे के लिए। वो है मिस्टर गौरी शंकर। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था एक चीज़ बनाने के लिए, उनको उसका वीडियो चाहिए था, तो आज मैं वही बना रही हूँ। इससे पहले कि वो बहुत से गुस्सा हो जाएं, आई थिंक बहुत दिन पहले उन्होंने बोला था। फर्स्ट जो डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था आप लोगों के साथ में, स्पेशल डिनर, वो उस दिन उन्होंने आई थिंक मुझे रिक्वेस्ट करी थी और मैं तब से मेरे दिमाग में मैं भूली नहीं हूँ। बस वही है ना कि डेली डिसाइड हो जाता है आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा, तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा था। बट आज मैं डेफिनेटली उनकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और वो क्या है वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से, मैं बता देती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन मील। उनका रिक्वेस्ट था इडली सांभर का वीडियो का, बट मैं जब भी बनाती हूँ ना तो फिर पूरा ही प्लेटर बना देती हूँ, फिर चाहे वो साउथ इंडियन हो या फिर राजस्थानी। जब थाली बनती है तब भी मैं, मतलब ऐसा नहीं कि बस दाल बाटी बना के छोड़ दी, फिर उस दिन भी मैं पूरा कुछ बनाती हूँ। और आज भी जब मैं साउथ इंडियन बनाने वाली हूँ तो मैं पूरा प्लेटर बनाऊँगी आप लोगों के साथ। मैंने एग्जॉस्ट ऑन किया है, मम्मी ऑन करना भूल गई थी। बन रहा है नाश्ता, नाश्ते में बन रहा है आज मेथी के पराठे, जो इसके अंदर की लेयरिंग होती है उसमें मम्मी लगाती हैं घी। और सर्दियों में हम खाते हैं ज़्यादातर तिल का तेल, तो बाहर इसको सेकने के लिए यूज़ करती हैं तिल का तेल, सेसमे ऑयल। मम्मी बहुत टेस्टी पराठे बनाती हैं, सारे पराठे मम्मी के ऑसम होते हैं, बहुत अमेजिंग। और अब मैं करूँगी अपना गरम गरम नाश्ता एंजॉय। ये है मेरा नाश्ता, मेथी का पराठा, दही और ये जो टमाटर की चटनी है ना गाइस, ये भी मम्मी की बहुत टेस्टी लगती है। ये गाइस मैंने दाल और इधर चावल भिगोए थे रात में, जितने भी चावल लिए हैं उसका 1/3 क्वांटिटी दाल है। इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है मैंने अलग अलग ही, दाल को अलग पीसा है। पहले ये दाल को मैंने ग्राइंड करा, उसके बाद मैं चावल को करूँगी, इन्हें फर्मेंट होने के लिए रखना है मुझे। रात को भिगोया था मैंने, 8 से 10 घंटे भिगोना होता है, तो मैंने ओवरनाइट सोक किया था। अभी मैंने चावल को भी पीस लिया है, अब मैं दोनों को मिक्स कर दूँगी एक ही जगह। ये दोनों को मैंने एक ही जगह मिक्स कर दिया है और अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है, पानी वगैरह। बस अभी मैं इसे ढक के और शाम तक रात तक फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी और फिर बनाएंगे हम इससे डोसा। और अब मैंने ली है ये 1 कप उड़द दाल और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ, गैस करोगे? इससे मैं बनाऊँगी मेदू वड़ा। इसके लिए भी इसको सोक करना होता है, तो मैंने रात को बनाना है इसलिए अभी मैं सुबह सोक कर रही हूँ इसे। और अब मैं बना रही हूँ मनीष शुभम के लिए नाश्ता। ये लोग लेट उठते हैं, मैं और मम्मी सुबह नाश्ता जल्दी कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं, ये लोग लेट उठते हैं, शुभम मनी और पापा, तो इनका नाश्ता फिर बाद में बनता है। We'll be right back.
मम्मी धो रही हैं कपड़े, तो मैंने सोचा मैं इतने किचन क्लीन कर देती हूँ। एक भी चीज़ बनाओ या कितनी भी किचन साफ़ हो, एक भी चीज़ बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच या डिनर, उसके बाद फिर से किचन पूरा क्लीन करना पड़ता है, एकदम गंदा हो जाता है, फैलता भी है, गंदा भी होता है। और इस सब से फ्री होके मुझे लगाना है आज हेयर पैक, उसके बाद मैं सर धोऊंगी। मैंने सुबह नहा तो लिया है बट मैंने सर नहीं धोया था, एक तो हेयर पैक लगाना था, दूसरा मैं वैसे भी अगर सिर्फ शैम्पू करना होता है तब भी मैं सुबह इतना जल्दी सर नहीं धोती सर्दियों में, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है, मुझे थोड़ा धूप चाहिए होती है फिर सर धोने के बाद ठंड में। हेयर ड्रायर है बट यार हर बार मतलब ऐसे डेली बेसिस पे हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे तो हार्मफुल होता है, कोई भी हीट अप्लायंसेस जो इस तरह से बालों पे यूज़ करते हैं वो डेली बेसिस के लिए तो अच्छा होता नहीं है ना। मैं वैसे भी नहीं करती, मैं ओकेजनली भी बहुत कम, बहुत रेयर केसेस, मैंने आज तक शायद 2 बार ही यूज़ करे हैं, मतलब हीट कर्ल्स हो या फिर कुछ भी। आगे केला खिला दो। बाय। आज मैं सुबह जब पेड़ों में पानी डाल रही थी तो मैंने देखा ये जो मेरा हिबिस्कस प्लांट है, गुड़हल का जो पेड़ है, इसके ऊपर वाइट बग लग गया है, और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है, इसे बहुत जल्दी अटैक करता है, इवन यही एक चीज़ है जो इसको अटैक करती है, और मेरे कई बार इससे पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को जो वाइट कलर का है, वाइट बग है ये। अब कर रहा है अच्छे से फोकस। आज मैं इस पर इंसेक्टिसाइड डालूँगी, कोई रिस्क नहीं लेने वाली मैं इस बार। और ये मैंने दवाई थोड़ी सी मिक्स कर ली है पानी में, और मैं इसे ड्रॉपर की हेल्प से एग्जैक्टली जहाँ मुझे डालना है वहाँ मैं इसे थोड़ा सा डालूँगी ड्रॉपर से, पूरे प्लांट पे लगा, सिर्फ अभी यही है बट पूरे प्लांट पे आ जाएगा ये और ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। इसको करने के बाद मैंने सोचा मैं अपने जो रोज़ प्लांट हैं उनके ऊपर भी इसको डाल देती हूँ जब बनाया ही है, तो देखो मुझे क्या देखने मिला है, एक अलग ही, मतलब मैंने तो ऐसा इंसेक्ट पहले नहीं देखा है। ये दिख रहा है आप लोगों को, मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं मैंने, और लगता है बहुत नॉर्मल सी बात है कभी कोई इंसेक्ट होगा कभी कोई, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और अब शाम हो रही है, मुझे लग रही है भूख, मैं बना रही हूँ भेल पूरी सबके लिए। ये मैंने बड़ा मुरमुरा लिया है आज, उस दिन जो नमकीन बनाई थी वो छोटे मुरमुरे से बनाई थी मैंने। आलू और प्याज को कट किया है, इधर लिया है थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा धनिया, और ये क्या है, मेरे पास पापड़ी तो नहीं थी अभी, तो मैंने जो मछली बनाई थी ना उसी को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, अच्छा खासा क्रंच ऐड करेगा ये भी, क्रंच ही तो ऐड करना है और क्या करना है। तो ये लिया मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी, और ये है सौंठ, ये मेरे फ्रिज में रखी थी तो थोड़ी सी थी पर ठीक है अभी के लिए बहुत होगी, रखी रहती है यूजुअली ये फ्रिज में बनकर, कभी भी काम आ जाती है तो मैं इसको ज़्यादातर बनाकर ही रखती हूँ। और बस अब मैं इन सबको इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी, मैंने आलू और प्याज डाला है पहले, और अब मैं डालूँगी थोड़ा सा टमाटर और ये जो मटरी ली थी वो, और धनिया,
और बस अब बहुत इजी है, जो भी चटनी आपको पसंद है, जैसे मैं सौंठ, जो खट्टी मीठी चटनी होती है, और इमली की चटनी डालूंगी और सबको मिक्स कर दो। बहुत इजी, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाला है स्नैक। अगर चटनी बनी हुई है ना, ये थोड़ी सी थिक हो गई है, फ्रिज में रखी थी इसलिए, अगर बनी हुई है तो बहुत जल्दी बन जाता है। हाँ, अगर चटनी बना के बनाओगे तो टाइम लगता है, बट ये वाली चटनी आप बना के फ्रिज में इजीली रख लो, कभी भी काम आ जाती है बहुत चीज़ों में। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे यूज़ करती हूँ फ्यूचर में। और मैंने इसमें डाला है बस थोड़ा सा चाट मसाला, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत तीखा या कुछ ऐसा फ्लेवर तो चाहिए नहीं होता है ना इसमें, चटपटा चाहिए, जिसके लिए दोनों चटनी है और नमक के लिए थोड़ा सा चाट मसाला। और अब एंड में मैंने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी नायलॉन सेव, इसके बिना इसका लुक और टेस्ट दोनों ही इनकम्प्लीट है। गाइस, जो भी आज मैंने साउथ इंडियन प्लेटर रेडी किया है, मैं उसे आज इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैंने पहले सोचा कि मैं हाफ़ अभी आज ऐड कर देती हूँ, हाफ़ कल आपके साथ शेयर कर लूँगी, बट लॉजिकली वो करेक्ट नहीं है। अगर किसी ने रेसिपी मांगी है और अगर कोई रेसिपी देखना चाहता है आज या फ्यूचर में, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अजीब होगी कि मतलब पूरी रेसिपी को वो दो पार्ट में देखे। तो मैं कल पूरी रेसिपी एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कल का व्लॉग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, हर एक चीज़ की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने बनाया है सांभर विद रेड चटनी, वाइट चटनी, इडली, मेदू वड़ा, मसाला डोसा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर मिलूँगी कल आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।